संगीत दूध का कर्ज और डाकू बनी हसीना। और शहर एक बिजनौर है, देखो यूपी में मसीना। बाज रहा है टंका मेरा कुंभ के उपलाक में, मेरे पैसे पाए हो रहा पैसों के सर करके वो उसको छोड़ा, सर करके वो उसको छोड़ा, पड़ गई जिस पे निगाह, चोट कदमों के मेरे सर जमिया। शंकर सिंधानिया, शंकर सिंधानिया नाम है हमारा, हुकूमत जनता पे करना यही का। इस हिंदुस्तान के, इस हिंदुस्तान के अधिकारियों ने हक छीना है हमारा, उसे दिल से हिंदुस्तान को दुश्मन मान लिया। हमें ही लोग शंकर सिंधानिया कहते हैं, कस्बा नजीमाबाद जिला बिजनौर के अंदर कोई शंकर सिंधानिया से नजरे। अगर कोई शख्स नजरे मिलाने की कोशिश करता है तो कसम है पैदा करने वाले की, सिंधानिया उसकी नजरे। अब इतना ही नहीं, मेरा मतलब एक है, मैंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अपने आप को बेच दिया है, मेरा मतलब है हिंदुस्तान को बर्बाद। हिंदुस्तान को बर्बाद करने में सिंधानिया का हाथ है। क्या पाकिस्तान के मशहूर आतंकवादी जिसे लोग कहते हैं वसे, अभी अभी पाकिस्तान से मेरे पास फोन आया था कि सिंधानिया जिस आतंकवादी का तुम इंतजार कर रहे थे, इस समय वो भारत वर्ष के अंदर प्रवेश। सोच ना पाते हैं, मेरा दिल हौसले से भर उठा कि आने वाले 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा उखाड़ कर फेंक देंगे और फहराएंगे पाकिस्तान का। वसीम खान बिजनौर के इंडियन होटल में ठहरा है, जिसका है कमरा नंबर 200। और हमारा छोटा भाई भोला सिंधानिया अभी मुझसे मिलने चौपाल के अंदर नहीं आया, मैं बैठ कर अपने भाई भोला सिंधानिया कहे अपने दादा ठाकुर के राज में मैं राज करता हूँ, अपने दादा ठाकुर के राज में मैं राज करता हूँ, अपने दादा ठाकुर को नमन। तो क्यों बुलवाया अरे दादा मुझे बदला बहुत, क्यों बुलवाया दादा मुझे, बुलबा बतला वो तत्काल। आज कहो इस समय रात का टाइम, दादा ठाकुर अचानक भोला सिंह को याद करने का क्या? जरूर बताएंगे मेरे छोटे भाई, तुम इस रियासत का हाल चाल जानना चाहते हो, अरे बुलवाओ ये चल लिए, अरे ये तो जरूरी। तो बुलवाया है इसलिए
कर एक जरूरी काम और बैठो मेरे पास में और पकड़ाओ। छोटे भाई भोला सिंधानिया बैठो हमरे साथ चौपाल के अंदर, आज तुमसे कुछ मशविरा करेंगे। मशविरा करने का मतलब एक है, वो है हिंदुस्तान के पास। हिंदुस्तान में जब तक हमारी और तुम्हारे नाम की तबाही नहीं मचेगी, तब तक हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना लेंगे, तब तक दोनों भाई चैन से। मेरे छोटे भाई बैठो, अभी चौपाल के अंदर नौकर नहीं आया, जिस समय नौकर आएगा नौकर से बातचीत करने के बाद मैं अपने दोस्त के पास अपना दाहिना हाथ जैसे लोग कहते हैं रतन सिंह को चौपाल के अंदर बुलाने के बाद रतन सिंह से सारी हकीकत बुलाएंगे और वसीम खान को अपनी हवेली। सिंघानिया साहब आपने देखा मेरे शान को का खींच लाओ लक्ष्मण चमार को। मत कटा उल्लू के पट्टे सुअर शैतान, क्या बताया? सिंघानिया साहब आपने ही देखा मेरी शान को का खींच लाओ लक्ष्मण चमार को। एक बात बताओ, यह चौपाल शंकर सिंधानिया की है और यह लक्ष्मण चमार से क्या मतलब है? अरे सिंघानिया साहब आप नहीं समझे हमारी बात को, उसके उसमें कुछ खूबियां हैं। कहने का उसमें कुछ खूबियां हैं तो खूबियां तुझे मालूम है? आवाज तक लक्ष्मण चमार के पंथे डर क्यों रहा है? लक्ष्मण चमार की खूबी बताओ। लक्ष्मण चमार की खूबियां जो पौवा फिर प्याज जो वो दरुहा है जो पौवा भर पियाई दो बीच बाजार में चाहा जी का दी चार झापड़े लगवाई दो, ये उसमें खूबी है। और अगर हम एक पौवा उसे पक्की पिलाए तो क्या होगा? एक पौवा अगर पक्की पियाई दो बीच बाजार में चाहा जैसे ये कर्तव्य है लक्ष्मण चमार का। और एक पौवा अगर हम उसे इंग्लिश पिलाए तब क्या होगा? एक पौवा अगर तुम इंग्लिश पियाई दो चाहत उल्लू के पट्टे सुअर की औलाद, हम उसे एक पौवा इंग्लिश पिलाए और अपना ही लक्ष्मण चमार को आज से तुम अपने अंडर में रखोगे। हाँ जी सिंघान साहब, उसको हम अपने अंडा पर रखवा अंडा पर हम बता रहे अंडर में और तुम बता रहे हो अंडों पे। तुम अंडों पे रखोगे, कितने अंडे देता है महीने में बोल? अब बोलो कितने अंडे देते हो? आप रे नौकर, आज से तुम लक्ष्मण चमार को अपने कब्जे में रखोगे। हाँ ठीक कहा थे, एक एक कब्जा लोहे का लगवाए दो। हमारे दादाजी कह रहे हैं ऐसे आदमी को अपने अंडर यानी कब्जे में रखो, जिस समय हमें जरूरत पड़ेगी ऐसे इंसान को तुम्हारे द्वारा तत्काल बुला ले। यह बात सही, जब कहूं तुम्हें जरूरत पड़े हमारे द्वारे अपनी ऊंची गढ़री पर बुला ली।
ऊंची गढ़ी का नाम लिया करो रे मतिकटे जाहिल साले। क्यों रे, इधर आओ बोला सिंधानिया साइड में बढ़ो, इधर आ रे, इधर आओ साले पचरंगे, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। हम जुड़वा, हम जुड़वा, जुड़वा जुड़वा। कहने का मतलब साले जुड़वा हो, यह है उछरी कर हम पचौनी कर। क्यों रे, एक बात बता रे मत कटा, तुम हमारा भेजा खा रहे हो, सुअर की औलाद 20 जूते मारेंगे। और तुझे इतना मालूम होना चाहिए कि शंकर सिंधानिया के सामने अगर ज्यादा बकवास की तो सर पे 20 जूते मारेंगे। क्या रे, तो चुपचाप रहो और हमारी बात सुनो, यहां से जाओ, हमरा एक खास आदमी है। अब भाई तक हम जाने रहन हमारी महलुआ के आदमी है, हम और तुम्हारे वो आदमी है। वो बात नहीं, कहने का मतलब जिस तरीके से तुम नौकर हो इसी तरीके से वो रतन भी नौकर है। जाओ रतन सिंह को बुलाकर चौपाल के अंदर लेकर आ जाओ। नजर जिस पेड़ पर डाली, नजर जिस पेड़ पर डाली तो हरी सूखी साख हो जाए, नजर जिस तब करो चेढ़ी तो सारा मालिक तक बुलाया गया। मालिक कौन सा ऐसा काम है जो अचानक मुझे चौपाल में बुलाया गया? जरूर बताएंगे रतन सिंह, मैंने अपने आप को मुल्क पाकिस्तान से बेच दिया है, मेरा मतलब है इस हिंदुस्तान को फिर से गुलाम बना दे और यहाँ पे हम तो मिलकर उसी तरीके से राज करेंगे जैसे कुछ समय पहले यहाँ पे अंग्रेजों का राज चलता था। और तुम हमारी बात को गौर से सुनो और समझो, अरे हमारी अरे बात को आज सुनिए करके। तो रतन हमारी बात को अरे सुनिए करके गौर, जाओ चले बेजगार को अरे बुला लाओ। रतन सिंह यहां से तुम और हमरा भाई भोला सिंधानिया तब दोनों लोग बिजनौर के इंडियन होटल में जाओगे और हमारा दोस्त वसीम खान जिसका रुकने का कमरा नंबर 211 है और तुम्हें कानों कान पुलिस को खबर नहीं होनी चाहिए और जाकर हमारे दोस्त को बुलाकर आप बैठे अभी मालिक चौपाल पे।
साहब चौपाल पे बैठिया, मैं जल्द से जाकर और वसीम खां को बुलाकर हवेली में आएंगे। मालिक बोला सिंधानिया, तुम और ये रतन सिंह दोनों लोग जाओ बिजनौर। ठीक है, यहाँ पे वसीम खान ठहरा है, वसीम खान को बुलाकर हवेली में कराओ। भैया हम तुम्हारा ऊंचे गढ़ी चौपाल पे बैठकर इंतजार करेंगे, मैं चलता हूँ ऊंचे गढ़े। जाओ मेरे दोस्त रतन सिंह, आज हमारे भैया का आदेश है कि वसीम खान इंडियन होटल में ठहरा हुआ है। सच कहते हो, कमरा नंबर 211 में। क्या तत्काल चलते हैं बिजनौर और पहुंचते हैं कहां? होटल इंडियन। मेरे दोस्त, और नहीं एक पल की अब देरी। क्योंकि आज अपने भैया का आदेश पूरा करना है। सच कहते हो, एक पल की देरी नहीं लगाना है और वसीम खान को चौपाल पे बुलाकर अबे ठकुर का चौपाल छोड़ दी बा, अब जाते हैं थाने में, नौकरी करेंगे, उसी से अपना गुजारा करेंगे। हो जल खनवा मामोरी ससुराल, अदालत मां भौरी चले जल। जितने सिपाही साले लगते हैं, जितने सिपाही ससुराल गई को सवाल अदालत। हेलो ए चौकीदार, इधर आओ। जेल खनवा में मोए ससुराल, अदालत में भौरी भाई, यहाँ थाने में नाच गाना कर रहे हो? हाँ तुझको देख नहीं रहा है, बड़े साहब आने वाले हैं। हाँ। आने की साफ सफाई की कि नहीं की? हाँ सब साफ कर दे। साफ कर दियो सब। हाँ। की सफाई? बड़े साहब आने वाले हैं। एक बात बताओ, हम तुमका जान नाम पे तुम कहाँ के रही हो? ये नहीं कहा जाता है सारे, तुमको दिख नहीं रहा है, बेवकूफ हो क्या? बेवकूफ हो क्या, तुमको दिख नहीं रहा है? अपने परिचय तो बताओ। हनारा नाम है, गणपत राय त्रिपाठी। साले गंदे नालायक, ये नहीं कहा जाता है। हमारा नाम है गणपत राय। अच्छा अच्छा। हाँ, और बड़े साहब आने वाले हैं, थाने की सफाई करो। ठीक है, सफाई हुई गई है सब। और कुछ नाच गाना आपको आता है? खूब खूब। चलो गाना सुनाओ एक। बैठे बैठे सर, सुनाओ भैया सुनाओ। दादा दादा दादा, सब का हम तुम बड़े तुम्हारे पहले ले। हाँ। तुम पहले सुनाओ, बाद में हम सुनेंगे। क्या बात है, हम तुमका बढ़िया वाला गाना सुनाएगा। और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, पर सुंदर दिखती हो, किलो भर दूध देती हो, किलो भर। क्या बता रहे हो साले, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, ऐसे गाना गाया जाता है साले? अब ना गई बात करे।
कुछ शर्त दिखलाओ, कुछ अच्छा गाना सुनाओ। आल्हा वाले आपको आता है? आल्हा 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 या गाना तो सभी से ठीक है। चलो आल्हा सुनाओ। ओ छटकाओ बाबूजी कुछ कहा थे, अब तुम सुनाओ। साहेब आगे बढ़ो तो ना, आप क्या चीज सुनना चाहते हैं पहले बताओ। आल्हा सुनाओ। आल्हा आल्हा ठीक है ठीक। दादा तौ कंठ में बैठ मोर कंठे सर सरस्वतिया चौकीदार हवलदारी धरो लुक के पट्टी के हराम जा। अरे सर बाबूजी बाबूजी बात यह है बाबूजी बात यह है ये अत्ता गांजा पेती है गांजा की नसबरात जाने नहीं बात कहा होती है। कार है का 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 कुछ नहीं बाबूजी यहाँ हो रहा है यहाँ बकचोदी हो रहा है। साले उल्लू के पट्टे थाने को तैयब का कोठा बना रखी हो। हम कही तो रहा तुम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं। हम यह नौकरी ना कर रही है। जब थाने में कोई बड़ा ऑफिसर न होता है तो तुम लोग हर वक्त उल्लू के पट्टे जाहिलू हो। अगर इस तरीके से किस बात के लिए नौकरी नहीं करना चाहता। अबे एक दाने का है ये फूफन आए हैं ये हमारे संग बकचोदी करी ने। तेरे फूफा ने तेरी नौकरी लगवा दी।
नौकरी पर किस्मत वाले को पहले पहले बढ़िया रहा नौकरी, पहले इतने बढ़िया रहा हमारी नौकरी। वो कौन सी नौकरी थी? पहले हम दूध पकड़ी रहा। और उल्लू अब डेयरी के सचिव रहने आ। तो इस तरीके से तू नहीं बोलता? दूध डेयरी के सचिव रहने आ। तू दूध डेयरी का सचिव था? दूध उठा उठा कर लोगों को देता होगा। पानी ना कोई मिलेगा वो। अच्छा इसलिए? तो ऐसे क्यों नहीं बोलता? तुम तो सीधे बोलते हो। चौकीदार, अरे उल्लू के पट्टे हाल सर, जाओ तू फरन जीडी फाइल लेकर आओ। जीडी फाइल? जाओ बैठिए सर। यू गया यू आया। छटकन्ना हमारे लगत पाइस नहीं है। छटकन्ना हमार गवाह है भगत, हमारे लगत अल्लाह मारी पर अल्लाह मारी पर। कहे जने भांग खाए के रावत हैं मोबड़ा गिरी पर। कहने की तहकीक नहीं, उसे इलेमारी बोलते हैं और तुम हराम जादे बोलते हो।